और ये आप देख सकते हैं रेड लाइट जल रही है और जो सरकारी गाड़ी है वो रेड लाइट को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। आखिरकार अब इस गाड़ी का जो चालक है इसका चालान कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ये आप देख लीजिए, ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत में किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो बसों के ऊपर चढ़कर सफ़र करते हैं, अपनी जान हथेली में रखकर ये सफ़र करते हैं और कब कोई हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप इस वीडियो को शेयर करें और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पिछले लंबे अरसे से देखा जा रहा है हरियाणा में इसी प्रकार से जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं वो किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं। इससे पहले भी हमने आपको काफ़ी तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से हादसे भी जरूर होते हैं, भले ही कोई लड़का हो भले ही कोई लड़की हो, बस के नीचे गिरने की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं जरूर आती हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, जो कि समय रहता है लगाना चाहिए था। काफ़ी बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि साहब बस की जो सर्विस है वो कभी तो लेट आती है, कभी समय पर नहीं आती है और रूट कि जो संख्या की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है और ऐसे में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक मैं कहना चाहूँगा कि ये गंभीर समस्या है, सरकार को इस बारे जरूर सोचना चाहिए। हालांकि बहुत सी नई बसों को जरूर चलाया गया है लेकिन आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं आईटीआई चौक पर इसी प्रकार से जो मंजर है वो प्रतिदिन दिखता है। ना तो यहाँ पर कोई पुलिस का जवान खड़ा मिलता है और ना ही इन बच्चों को डर है कि अगर हम बस के ऊपर बैठते हैं या फिर लटक कर जाते हैं हमारा चालान होगा। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें और आईटीआई चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तेज गति से दौड़ती इन बसों में बच्चे किस प्रकार से लटक लटक कर जाते हैं, ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। आईटीआई की ये छात्र हैं। हालांकि इस चौक की अगर हम बात करें तो इस चौक में काफ़ी झगड़े भी जरूर होते हैं, बस कंडक्टर और बस ड्राइवर के साथ काफ़ी झगड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन है। कई वीडियो हमने आपको ये भी दिखाई कि बच्चों के हाथ में ईंट होती है और बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी बसों में हमला करते हैं, यहाँ तक कि शीशे तक तोड़ देते हैं। उनकी माने तो साफ कहना है कि साहब जब हम घर के लिए लौटते हैं तो हमें घंटों घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, बसें हैं कि रेड लाइट पर रुकती नहीं है, जिस कारण से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। इस वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि प्रशासन जागे, जो बच्चे लटक कर इन बसों पे चढ़ते हैं उसके पीछे अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। करनाल का आईटीआई चौक हो, करनाल का कैथल रोड हो, करनाल के और अन्य जो बिजी रास्ते हैं वो हो, इसी प्रकार से ही हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं और जो बच्चे हैं और उनका जो तालमेल है वो किस प्रकार से बैठता है आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जब वो सफ़र करती हैं, जो वो अपने कॉलेज से बाहर निकलती हैं तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में बच्चियों का क्या कहना है ये वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। रुकती कौन है, फिर भी कुछ होना जाना है कौन है उरा? इब उस बस ने देख लियो, वह चल पड़ी, इब नू देख लियो, उसने वह रुकेगी कि नहीं रुकेगी उड़ा बस? देखो मार दिया कट उसने, देख लियो उसने, या बस रुकी है सारी की सारी बस नू की नू आवे है, या तो टेम्पू में जाओ या कहते थार पास है, पास है, रुकवा लो नहीं बस नहीं रुकवा लो। अरे इसकी किस्मत देख लो कितना लंगार भर रहा है, कितना नहीं भर रहा है, डेली खाली पर, लेकिन क्या आपके आगे सबूत है, देख लो सारी की सारी ओड़े जाओ, फिर मार तेन कबले था ओड़े क्या खड़े होया करो, नहीं रुकता अपनी बुआ का लोग कोने रोक दऊ रहा, ओड़े जाना पड़ा है यार। कौन सा कॉलेज पढ़ता है हमारा? तो योरा गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ तो काफी लड़कियाँ परेशान होती है सारी, ये माम तो जाना मारा तो रुटे यो है नुंगे का आना भी उन्होंने जाना भी नुंगे का नहीं है, बताओ योर सीन हो रहा है। कोई भी एक बस नहीं रुकती बस रुकेगी 2-3 घंटे में एक बस रुक दी होगी, उसमें भी धक्का मुक्की करके धक्के तक चढ़ना पड़ा। हाँ। नहीं कोई बस नहीं रुक दी। हाँ। सब बहुत बुरा हाल है यहाँ से। बस स्टैंड पे भी चले जाओ, मैंने बस स्टैंड वाले भी थर पे पास है, हमने सीट कुकर दे दे, जिन जोड़ पैसे दे उन तो सीट देनी पड़ेगी, पास पे भी सीट को नहीं मिलती, खड़े होकर भी जाओ और वो भी बस
बस रुकने का रीजन रुकती तो कौन है, जाना तो नू पड़ा है उस साइड, एक भी बस कौन रुका, आप ही खड़े होना, आप देख लियो कितना बस रुकेंगे और कितना नूंगा, 20 बजे तो रुक भी बत्ती है उड़ा बस, यो रीजन है। या फिर गेट भी नहीं खोल दे कंडक्टर भी इतने हरामी है, खुद जावे अर्दम कह के डाल बोलेंगे जो उनके बाप का खावा है, भले नु कुकर चढ़ गए बस में, कोने खोलना गेट कोने खोलना, कुकरी लटके जाओ बस में, फिर गलती काट दे आगले की जिसका चोट लागे। मारे आगे परसों एक छोरी है ना बस के नीचे आती आती बची है, पिछला टायर चढ़ने और उसकी यहाँ सारी की सारी फूट गई, वो लड़की बत्ती बहुत पीछे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा रह रहा था तो उन्होंने पीछे ही रोक दी, वहां तक भागी गई वहाँ जाकर फिर उन्होंने एकदम बस चला दी, वह बेचारी नीचे गिर गई, उसके ऊपर भी चढ़न था बच गई बस। एक बात कह रहे हैं अब भी ना तुम्हारी तुम ना तुम पास वाले हो, तुम्हारी वजह से जो हमारे डेली रूटीन के वो है ना भाई, जो मैं पैसे दे मैं टिकट ले मैं है वो रह जाए हैं, और हम फ्री वाले चढ़ के जाओ हो, ये सिर्फ ये रीजन है बस ना रोकने का, और कोई रीजन नहीं है बस रोकने का। आपका रूट कहाँ से कहाँ तक है? मेरा तो यहाँ करनाल से गरुंडा है। करनाल से गरुंडा, कितने का पास बनता है? गर्ल्स का तो नहीं बनता, बॉयज का बनता है, गर्ल्स का फ्री में बनता है। अच्छा, बॉयज के पैसे लगते हैं। तो वो जो पैसा आप लगाते हैं, जो भी आप पैसा लगाते हैं पास का, जो भी पैसा लगाते हैं वो सब बेकार है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। हाँ, टोटली फ्री में बना है तो उसका भी सुख कौन है मैम ने। तो ये भी सुनने में आता है कि काफी लड़कियां शाम शाम हो जाती है, उनको बस नहीं मिलती है। मिलती मैम, कितनी देर क्या रहे मैम, तुरे भी जाता है, अभी उस अंकल को चोट लग गई थी जाता है, पहले मैम उस चौक पे थे ओड़ा कोने रुकी पूरा आए, फिर यहाँ पे हमने देखा भी हो रहा है जब इस वजह से। क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा मुख्यमंत्री जी का लगता है, क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, उनका विधानसभा उसने कोई जानता ही नहीं, अपील क्या करना चाहेंगे बेटा, अपील आप अपील कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम सिर्फ इतनी अपील कर सका है, ढंग तक बस रुकवानी हो तो यहाँ पर रुकवा दिया करो, और ना तो अड्डे गोड्डे तड़वाने का तो कोई फायदा है कौन। कितनी बच्चियाँ पढ़ती है इस कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर? सर यहाँ तो स्ट्रेंथ कम से कम 6,000 के आसपास होगी टोटल बच्चों की अगर बताऊँ तो, पर ये नहीं पता कि रूट, हाँ भाई अलग अलग रूट के हैं, कोई कुरुक्षेत्र था कोई पानीपत था है, तो यो रीजन है, बाकी है के साथ इसी प्रकार से बस रोकते नहीं है कोई वो नहीं है। एक बात क्या है, सिर्फ नुकह जा है अगबले है ना, थारी वजह था ना जो मारता है वो दे में टिकट ले में है ना वो रह जाए, और हम तो भाई फ्री वाले हो, हमने टंका जाना हुआ है, इस वजह से हम नहीं चढ़ा सकते बस में, सिर्फ ये बात है। बसें नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती, डेली का यू काम है, इनका मन पास बनवा रखे फिर भी नहीं लेकर आंदे, उड़ता बस स्टैंड पे तक है नुका, इसमें नहीं जानती या नहीं जानती, ऊपर को घुमा ले जा नमस्ते चौक पो को, जाने का रूट उरे को है ठीक है, इंग रोक है लाल बत्ती आ रही हो तो रोक लें, और नहीं दैब कमड़ी सी यार नू पंजा दैब कर सीधी ले जाए, कोई आगा हो कोई लटकता रह जो पीछे देखते दे भी नहीं आ, और फिर जागतों का कसूर काट देख चल दियो मैं लटका है, मन अगर नहीं जाना हूं बताओ मैं, कम से कम भी 35-35 किलोमीटर दूर थे वहां पढ़न उरा, और रोज का इनका यू ही सिस्टम है। छोरियां मेन को छोरियां भी लटक कर जावा, छोरियां भी लटक कर जावा, छोरे भी लटक कर जावा, कोई गिर गया कौन जिम्मेवार होएगा। सामने एक परिणाम आया, सामने परिणाम तो ये ऐसे ऐसे दे रहा सुननवाई होगी, आपने वो भी बता रही थी, दो जागतियां गिर गई कल, इनका डेली का यू ही रहा जी।